हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट तनवीर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट के हेयर हैं बहुत ख़राब हैं। इन्होंने किसी गांव से कलर करवा लिए थे, उन्होंने कलर कर दिया कोई बेकार सा, तो ये मेरे पास आए हैं बिल्कुल ऐसा कलर करवाने। हमने इनका कलर किया बहुत मेहनत से, आप देख सकते हैं। कलर का प्रोसेस शुरू करने से पहले हमने किया इनके बेसिक शैम्पू। बेसिक शैम्पू करने से इनके हेयर पर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा निकल जाएगा। देन उसके बाद हम करेंगे K9 का डिटॉक्स शैम्पू। डिटॉक्स शैम्पू से क्या होगा, इनके हेयर बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, जो भी डस्ट पोल्यूशन सारा रिमूव हो जाएगा, ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। शैम्पू हो जाने के बाद हम इनके हेयर पे करेंगे ड्रायर। ड्रायर जो होगी फुल हीट पे होगी। जब तक ड्रायर हो रहा है तब तक हम हमारा रीड लाइटनर और डेवलपर को मिक्स कर लेते हैं। रीड लाइटनर हमने यूज़ किया रीका कंपनी का और डेवलपर भी रीका का ही है। रीड लाइटनर हम यूज़ करेंगे 20 ग्राम, और 20 ग्राम का 1:2 रेशियो के हिसाब से डेवलपर जो होगा 40 ग्राम्स होगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। रीड लाइटनर को अच्छे से मिक्स करने के बाद एप्लीकेशन करना है हमने। एप्लीकेशन सारे वालों पर इवन करना है बिल्कुल, और एप्लीकेशन जो होगी आपकी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, ताकि सारे बालों पे रिजल्ट बहुत अच्छा आए। एप्लीकेशन करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसकी वेटिंग टाइम जो होगा वो होगा 30 मिनट्स। वेट करने के लिए हमने इसको फॉइल पेपर में फॉइल कर दिया, ताकि जो भी हीट होगी सारे बालों को इवन लगे। एक्स्ट्रा हीट देने के लिए हम ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे प्रोसेस जो होगा आपका तेज़ हो जाएगा। सारा प्रोसेस डन होने के बाद जो हेयर का रिजल्ट निकल के आया बिल्कुल ऐसा है। ऐसा रिजल्ट इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने पहले कास्टिंग कलर्स यूज़ किए हुए हैं, जो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए हमारे हेयर पर, क्योंकि वो हेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इनके हेयर को और प्री लाइट करने के लिए हमें फिर से एक बार और एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन से क्या होगा, जितना भी एक्सेसिव कलर इनके हेयर पे लगा हुआ है पहले, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हम डिपॉजिटिंग कर सकते हैं। डिपॉजिटिंग करेंगे तो हमारा रिजल्ट ही बनाएगा। एप्लीकेशन करने के बाद हम 30 मिनट्स तक वेट करेंगे। वेट करते समय हम हेयर को हीट देंगे, ताकि रिजल्ट थोड़ा अच्छा आए। ये देख सकते हैं हम। अब हम लास्ट में कर रहे हैं इस पर ब्लीच वॉश। ब्लीच वॉश से क्या होगा, जितना भी येलो टोन आ रहा है सारा कट हो जाएगा। ब्लीच वॉश करने के बाद हम इस पर यूज़ करेंगे हमारा पर्पल शैम्पू। पर्पल शैम्पू आप देख सकते हैं। पर्पल शैम्पू यूज़ करने के बाद इसको 5 मिनट तक वेट करने के लिए छोड़ देंगे। ये इनका वेटिंग टाइम, आप इन्जॉय कीजिए। वॉश कंप्लीट करने के बाद हम कलर मिक्स करेंगे हमारा, आप देख सकते हैं। कलर की रेशियो होगी 1:1.5। कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने के लिए हेयर अपने पूरे ड्राई होने चाहिए। एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट करनी है, क्योंकि इसका कलर है वो डिपॉजिट करने के साथ ही अपने शो होने लग जाता है। एप्लीकेशन फास्ट करनी है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन हो जाने के बाद हमें वेट करना है 15 मिनट। 15 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा बिल्कुल ऐसा आएगा। इसके बाद इसको किसी से अच्छे शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम यूज़ करेंगे इस पर मास्क। मास्क से क्या होगा, जितने भी हमारे हेयर पर ड्राइनेस आएगी वो सारी रिकवर हो जाएगी। शैम्पू के बाद मास्क यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा वॉश का प्रोसेस आप देख सकते हो, सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करना, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इनके साइड लॉक में हमने किया चॉकलेट शेड, क्योंकि इनके साइड लॉक जो थे बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके थे, इनको हमें डार्क रखना था, ताकि इनका कलर थोड़ा अच्छा लगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारा कलर का जो प्रोसेस था सारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ड्रायर करने के बाद इनके जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।